के दिन संविधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विदेश में कहता है रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। लुक एट द बैटल ऑफ प्रेजुडिस अगेंस्ट रिजर्वेशन हैज बीन हैंडेड ओवर। देयर इज अ सीरियलाइज्ड पीरियोडिक एंटी इंडिया रैंक ऑन फॉरेन सोइल बाय दिस वन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। कितनी बड़ी विडंबना है, विदेश यात्रा का एक ही उद्देश्य है इस दायित्व का निर्वहन न करना। सार्वजनिक रूप से भारत के संविधान की आत्मा को तार-तार करना। रिजर्वेशन भारत की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। रिजर्वेशन इज अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन इज नॉट नेगेटिव। अस्मिता पर प्रहार हो तो आवश्यक हो जाता है प्रतिघात। वी कैनॉट अफोर्ड टू बी साइलेंस मोड। रिजर्वेशन भारत की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। रिजर्वेशन इज अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन इज नॉट नेगेटिव। रिजर्वेशन इज नॉट डिप्राइविंग समवन ऑफ अपॉर्चुनिटी। Reservation is hand holding those who are pillars of strength of the society. But chinta ka vishay hai, chintan ka vishay hai, manthan ka vishay hai. Wohi mansikta jo unki reservation ki thi. Aaj ke din samvidhan pad par baitha hua vyakti videsh mein kehta hai reservation khatam hona chahiye. Look at the battle of prejudice against reservation has been handed over. Keeping in mind my constitutional position, let me assure you, reservation is conscience of constitution. Reservation is in our constitution with positivity, with great meaning. To bring about social equality, to cut into iniquities, जिनका ये सोच है मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या कितनी को मैं आपके विवेक को छोड़ता हूं। कितनी बड़ी विडंबना है, विदेश यात्रा का एक ही उद्देश्य है इस दायित्व का निर्वहन न करना। सार्वजनिक रूप से भारत के संविधान की आत्मा को तार-तार करना। वी मस्ट बिलीव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 3 साल की तपस्या के बाद, 1 महीना कम था, 18 सेशंस में भारत के संविधान का निर्माण हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अंतिम वक्तव्य वहां नवंबर 25, 1949 को था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस समय बहुत महत्वपूर्ण बात कही, हम सबके कान खड़े हो जाने चाहिए, हम लोगों के दिल में वो बात बस जानी चाहिए। आई कोट, इंडिया हैज वंस बिफोर लॉस्ट हर इंडिपेंडेंस by the infidelity and treachery of some of our own people, I unquote. ऐसा नहीं था कि भारत कभी आजाद नहीं था, आजाद था। आजादी क्यों खोई? हम में से कुछ लोग, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्फिडिलिटी थी उनकी, ट्रेचरी थी उनकी। आगे कहते हैं, आई कोट हिम, विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? Will Indian place the country above the creed, or will they place creed above the country? आगे कहते हैं, but this much is certain, if parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably lost forever. कितनी बड़ी उन्होंने चिंता व्यक्त की, फिर हमसे उन्होंने एक गाइडेंस दिया है
हमें एक सीख दी है कि जब ऐसा मौका आए व्हेन यू फेस सच अ सिचुएशन ही सेज आई कोट हिम दिस इवेंचुअलिटी वी मस्ट ऑल रेजोल्यूटली गार्ड अगेंस्ट वी मस्ट बी डिटरमिन्ड टू डिफेंड आवर इंडिपेंडेंस टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड एंड कोट। इससे ज्यादा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कह सकते थे। उन्होंने जो चिंता देखी कुछ लोग उसको जमीनी हकीकत कर रहे हैं कुछ देश के अंदर कुछ देश के बाहर टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड वी हैव टू रिजोल्यूटली फाइट देम। ये मैसेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हमारे मन मस्तिष्क और चित्त के ऊपर अमिट रहना चाहिए। वी शुड बी एवर टू फाइट रेडी टू फाइट दिस फोर्सेस। बॉयज एंड गर्ल्स जब ऐसे कृत्य हमारे सामने आते हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं संविधान को अनादर करते हैं हमें करना चाहिए वी नीड टू स्पीक आउट व्हेन देयर इज चैलेंज टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अस्मिता पर प्रहार हो तो आवश्यक हो जाता है प्रतिघात। वी कैनॉट अफोर्ड टू बी साइलेंस मोड when there is such a frontal onslaught on our constitutional values, democratic values, in and outside the country. अब देखिए हम कहां आ गए। मोटा शेर सर झुक जाता है शर्म से। एक कहता है horrifying, horrendous barbarity in Kolkata with a lady doctor is termed as सिम्टोमेटिक मलाइज। वॉट काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन इज दिस। दूसरा कहता है कि थ्रो द स्पिनर अनार्किस्ट स्पिनर आई कोट बांग्लादेश कैन हैपन हियर अनकोट एंड द अदर वन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन there is a serialized periodic anti-India rant on foreign soil by this one holding constitutional position. Now boys and girls, can we overlook or countenance the sacrilege of our constitution? I call upon the youth to rebuff such misadventures वो हमारी भारत माँ पर चोट करते हैं।